इस वीडियो में ग्वालियर सबलगढ़ श्योपुर कला रोड की नैरो गेज रेलवे लाइन के बारे में दिखाया जा रहा है। यह वीडियो ग्वालियर स्टेशन से श्योपुर के बीच शूट किया गया था। थोड़ी जानकारी इस रूट के बारे में। ग्वालियर राजघराने के सिंधिया परिवार द्वारा अपने राज में रेलवे लाइन आरंभ होने के समय नैरो गेज रेलवे की शुरुआत की गई थी। 1899 में ग्वालियर से नैरो गेज की शुरुआत हुई थी। 1904 में ग्वालियर से सबलगढ़ तक नैरो गेज की लाइन डाली गई। इसके बाद 1909 में इसी लाइन को सबलगढ़ से श्योपुर कला तक बढ़ाया गया और यह लाइन सन 2020 के जून तक कार्य कर रही थी। अब 2020 में कोरोना काल में जो लाइन बंद हुई तो हमेशा के लिए लाइन बंद हो गई। ग्वालियर से श्योपुर कला वाया सबलगढ़ कुल 200 किलोमीटर का नैरो गेज ट्रैक है जो अब बंद हो चुका है। सन 2018 के अगस्त माह में महेश गौतम भाई के साथ कोटा से बारा होते हुए हम श्योपुर कला पहुँचे थे। उसके बाद हम दोनों ने परिप्रसाद में यह ग्वालियर तक की यात्रा की थी। लाइट रेलवे के नाम से जानने वाली इस नैरो गेज रेलवे लाइन को बंद करने के बाद अब ब्रॉड गेज का कार्य आरंभ हो चुका है, जो ग्वालियर के पास रायरू स्टेशन है वहाँ से आरंभ होगा, जो बिरला नगर के थ्रू जुड़ेगा। उसके बाद यह सबलगढ़ होते हुए श्योपुर कला तक रहेगा और श्योपुर कला से आगे इसको कोटा तक बढ़ाया जाएगा। इस नैरो गेज रूट की अधिकतर नदियां बरसाती थी, जिनमें केवल बरसात में पानी होता था, अन्यथा यह वर्ष भर सूखी रहती हैं। ये देखिए, यह भी बरसाती नदी का पानी है जो बह रहा है। आप चलते चलते चंबल नदी को पार करते हुए एक बड़ी ट्रेन यानी ब्रॉड गेज ट्रेन के द्वारा आपको बाय बाय करते हैं।